नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ने। दोस्तों, हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी चमत्कारी घटना के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह राज्य घटना सुनकर आप एकदम चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता था। और दोस्तों, जब आप इन अद्भुत जानकारी के बारे में आप जानेंगे तो दोस्तों आपका होश हवास दोनों उठ जाएगा। आप एक पल के लिए सोचने लगेंगे कि हमारे साथ यह क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों घटना ही कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके घर में तीन दिव्य शक्तियाँ कई दिनों से घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के इस कोने में उस कोने में ये शक्तियाँ मंडरा रहे हैं। और दोस्तों, आपको इन शक्तियों का संकेत तो अभी तक एहसास नहीं हुआ है, आपको अभी तक भनक भी नहीं लग सका है कि हमारे घर में ऐसी दिव्य शक्तियाँ घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपके घर में क्यों घूम रहे हैं, आपको यह शक्ति क्या संकेत दे रही है और अब क्या चमत्कार करने वाले हैं? तो दोस्तों, इन सभी की जानकारी जब आप जानेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, आप एकदम चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको वह सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपका ग्रह में आपकी राशि में ऐसा शुभ योग निर्माण कर दिए हैं यह तीन शक्ति, जो कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलना निश्चित है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि एक साथ तीन दिव्य शक्ति का प्रवेश होना कोई मामूली बात नहीं है। जब मनुष्य के जीवन में एक शक्ति चमत्कार करते हैं तो उनका भाग्य उनका और प्रबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब तीन शक्ति एक साथ मिलकर किसी के घर में प्रवेश करें तो दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है। है दोस्तों, होगा जरूरी ही कुछ बड़ा होगा, जो आपके घर के चारों तरफ की शक्ति मंडरा रहे हैं। आपको वह खुशखबरी सुनने वाले हैं, वह राज की बात, वह संकेत यह शक्ति देने वाले हैं, जो दोस्तों आपका भाग्य ही बदल जाए आएगा, आपका किस्मत ही चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यह शक्ति ऐसे वैसे या फिर तुरंत आपके सामने खड़े नहीं हो जाएंगे। आपको यह दिव्य शक्ति कोई संकेत ही द्वारा आपको ये इशारा दिखाएंगे, आपको यह बताएंगे कि अब आपका भाग्य चमकने निश्चित हो गया है। आपको कोई ऐसे कार्य मुश्किल कार्य बनना शुरू हो जाएगा जो दोस्त तो वह नामुमकिन था। आपके घर में ऐसी धन दौलत, ऐसे शुभ समाचार आने लगेंगे कि आप सब समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में कोई ना कोई दिव्य शक्ति का ही चमत्कार है। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक विशेष जागृति आएगी और आप इन शक्तियों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। और जैसे ही आप इन दिव्य शक्तियों के प्रति जागरूक होंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और यह सारी बातें जो आपको हम बता रहे हैं, ये हम अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं बता रही है, यह बातें ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। आपकी राशि के जातकों के अंदर होती है कुछ छुपी हुई दिव्य शक्तियाँ। अब यह दिव्य शक्तियाँ छुपी हुई होती है, इसकी वजह से इंसान को इसके में ज्ञान नहीं हो पाता है और जीवन पर्यंत वह सामान्य इंसान की तरह ही जीते हुए अपना जीवन गुजार देता है। लेकिन यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, आपको आपकी इन छुपी हुई शक्तियों के बारे में ज्ञान करा देता है, तो फिर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ जातक ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ईश्वर में विशेष रुचि रखते हैं, धर्म में विशेष क्रियाशीलता रखते हैं, लगे रहते हैं ईश्वर की पूजा पाठ और भक्ति में, तो उन्हें इन छुपी हुई शक्तियों का ज्ञान हो जाता है और ऐसे लोग समाज में विशेष रुतबा बाहर दिल कर लेते हैं। लोग इनके सामने अपनी समस्याएं लेकर जाने लगते हैं और इनकी बातें सत्य होने लगती है, लोगों की समस्याएं भी दूर होने लगती है। ऐसे लोगों को फिर समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो जाता है, इन्हें दिव्य पुरुष कहा जाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह केवल उनके अंदर छुपी हुई सत्य नहीं है, यह आपके अंदर भी छुपी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देंगे जिनके माध्यम से आपको आपके अंदर छुपी हुई दिव्य शक्तियों के बारे में तुरंत एहसास हो जाएगा। जी हाँ,
दोस्तों, तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है और विशेष ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य ही बढ़ा देंगे। फिर हम दुगनी मेहनत करके आपको और भी बेहतरीन और आपके जीवन को उपयोगी ज्ञान लेकर आते रहेंगे, तो बिल्कुल भी संकोच न करें। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको आपके ही बारे में कुछ विशेष और अनोखी जानकारियां दे चुके हैं। जैसे कि हम आपको यह बता चुके हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय होती है। बेशक आपके जीवन में कुछ कष्ट ईश्वर ने लिख दिए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इन कष्टों को पार करने के बाद आपका जो जीवन प्रारंभ होगा वह बेहद ही सुंदर होगा और स्वर्ग के समान आपको सुख देने वाला होगा। दूसरी बार हमने आपको यह बताइए कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग केवल और केवल जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे और ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना में रुचि लेंगे। यदि आप थोड़े से ही आधार में कहोगे और गलत तरीके से कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या फिर नकारात्मक वातावरण में रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, नकारात्मक घटनाएं घर घर जाएंगे। फिर आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा जैसे कि आपकी कोई पीछे पड़ा हुआ है और आपके जीवन में लगातार कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। एकमात्र मार्ग आपके जीवन में सुख का है कि आप ईश्वर की शरण में चले जाएं और पैसे रुपए कमाने के लिए गलती से भी कोई गलत कार्य ना करें। शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग ही पैसा कमाने के लिए चुने। दोस्तों, ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है के लिए भावुक हो जाता है, सबका हित चाहता है, हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह एक बहुत ही विशेष गुण है। दोस्तों, जहां दुनिया में लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वहीं आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं और दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं कि इसके कष्ट दूर हो जाएं। चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों न करने पड़े, और कई बार आपने ऐसा किया भी है। दोस्तों, आप खुद भी कई बार मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि यह संसार कुछ इस प्रकार से बना है कि आपके किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं और आपके ऊपर कभी कभी उल्टे सीधे लांछन भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी अवश्य हो जाते हैं, लेकिन आप बड़ी ही मजबूत मनोबल के इंसान हैं। जहां भावनात्मक तौर पर आप कमजोर है, वही मनोबल आपका बहुत मजबूत है। एक पल के लिए तो आप दुखी होते हैं, अपने आंसू लेकर अकेले में बैठते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप अपने आप को समझाकर उन्हें तैयार कर लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में फिर से घुल मिल जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो यह तो आपके चरित्र के बारे में, आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अब आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत बातें हैं,
जो अब तक आपको नहीं पता चली है। यह दोस्तों आप बिल्कुल अपने जीवन को या अपने स्वभाव को हनुमान जी की तरह मान सकती। शक्तियाँ तो बहुत है लेकिन क्या नहीं है, है अनिल के। इसीलिए शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी की अद्भुत अकल्पनीय शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत जी ने प्रयास किए और हनुमान जी जागृत हो उठे और एक ही छलांग में सीधी लंका पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर भी दिव्य शक्तियां छुपी हुई है दोस्तों, आपकी दिव्य शक्ति जागृत नहीं हो पाई है, लेकिन आपको इनके प्रमाण छोटे छोटे बीच बीच में जीवन में मिलते अवश्य रहते हैं आप, लेकिन अपनी अनभिज्ञता की वजह से इन प्रमाणों को पकड़ नहीं पाते हैं तो आप समझ भी नहीं पाते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए वीडियो को, हम एक एक करके आपके अंदर छुपी हुई तीन दिव्य शक्तियाँ दोस्तों आपकी राशि के जातकों के अंदर ईश्वर पहले से ही देता है, हमेशा देता है, इनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से आगे का वीडियो आपको देखना है दोस्तों, तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कर देना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों से यह मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है, आप हवा में उड़ने लगेंगे या फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती है जो आपके अंदर छुपी हुई है, आपकी राशि के जातकों के अंदर छुपी हुई होती है क्योंकि आंशिक तौर पर सक्रिय होती है। यदि आप योग क्रिया के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा और अधिक प्रयास करें तो भी शक्तियाँ अति शक्तिशाली हो जाती है। फिर आप चाहे भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके अंदर छुपी हुई है वे आंशिक शक्तियाँ हैं, तो उनके संकेत भी बड़ी ही सूक्ष्म होंगे, बड़ी ही धीमे होंगे, उन्हें पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। या दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर एक शक्ति के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले शक्ति दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष दिव्य शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। अब यह कैसे होता है आप समझिए, अपने जीवन में आप विचार करके देखिए। पहली बार में सुनने में तो यह आपको अजीब लग रहा होगा, निश्चित तौर पर हम जानते हैं क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं है, लेकिन अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास आता है और वह कुछ भी कह पाए इससे पहले ही आपको एहसास होने लगता है कि वह किस विषय में बात करने जा रहा है। दूसरा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास बैठा है और वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, अपने मन में ही कुछ बात छुपा कर बैठा है, लेकिन आपको उसके बारे में एहसास होने लगता है, कुछ न कुछ आपको ऐसी मन में भावनाएं आने लगती है कि यह इंसान इस विषय में सोच रहा है जिसके मन में इस प्रकार की उथल पुथल चल रही है। यह दोस्तों आप विचार करके देखिए, हमें कमेंट करके बताना। आपको कई बार लोगों के चेहरे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, यह आपसे किस प्रकार की बात करना चाहता है, आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर आपको खरी खोटी सुनाना चाहता है दोस्तों, हर प्रकार की बात है। आपको इंसान का चेहरा देखकर ही समझ में आ जाती है आपके अंदर एक विशेष ईश्वरीय शक्ति है, दिव्य शक्ति है। और यकीन मानिए कि आपने अपनी छुपी हुई दिव्य शक्ति को अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है। मानकर चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और एक इंसान आपके सामने आता है और वह कुछ बोले, उससे पहले ही आप उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं या आपसे इस प्रकार की बात करना चाहता है। मान लो कि आपसे कुछ मांगना चाहता है तो आप उसी प्रकार अपने मन में तैयारी कर लेती है किसको क्या जवाब देंगे, और होता भी यही है कि वह आपसे कुछ मांगने लगता है और आप उसी प्रकार उसे जवाब दे देती है। इस प्रकार आपने अपने जीवन में कई बार फैसले लिए हैं, कई बार लोगों के साथ बर्ताव भी किया है,
यह आपके अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति है, दिव्य शक्ति है। अब हम आपको वीडियो में यह भी बताने वाले हैं, इस दिव्य शक्ति को आगे भी आने वाली दूत व्यक्तियों आप किस प्रकार से और अधिक प्रबल बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, इस उपाय को करेंगे आप तो आप ही शक्तियाँ और भी प्रबल होती चली जाएगी और फिर आपको दूसरे के चेहरे को देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह का यह है इसी के दिमाग को पढ़ लेने जैसा होगा। जिस दोस्त तुम बड़ी अद्भुत और रोचक जानकारी है, वीडियो में बस बनी रहे और अपने ही बारे में कुछ अद्भुत कुछ अनोखा जानते चले जाएं, तो आप ध्यान से सुने, हम आपको बताने रहे हैं आपके अंदर छुपी हुई दूसरी बहुत अधिक शक्तिशाली है दोस्तों। बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया तो आप एक तरीके से भविष्य को भी देख पाएंगे। शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती है, आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। लेकिन आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मानकर चलिए कि कोई आपके साथ रहने वाला इंसान है, आपके परिवार का सदस्य किसी कार्य को करने जा रहा है और आपके मन से अनायास ही निकल जाता है कि यह कार्य बनेगा नहीं। तुम कितना ही प्रयास कर लो और होता भी वैसा ही है कि उसका कार्य नहीं बनता है। और कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं कि चिंता ना करो, तुम्हारा यह काम निश्चित तौर पर बन जाएगा और उसका कार्यक्रम भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजों का एहसास होने लगता है पहले से ही, हालांकि आप इस पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि यह बस आपके मन से अनायास ही निकल गया, लेकिन दोस्तों यह आपके अंदर छुपी हुई तभी शक्ति है। कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो या दोस्तों, खास तौर से यह दिव्य शक्ति आपकी तभी कार्य करती है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी विशेष शुभ चिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो, जब आपको इसका पहले से ही आभास होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ मन में हलचल सी हो रही है, कुछ अनोखा था इसे आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको यह निश्चित तौर पर होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है। और फिर होता भी यही है, या तो कोई बीमार हो जाता है, या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर रुपए पैसे का नुकसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में विचार करके देख कि कितनी बार आपके जीवन में यह घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि यह आपके लिए शुभ होगा। और दोस्तों हम आपको यकीन से कहते हैं कि आपके जीवन में एक बार नहीं, यह घटना सैकड़ों बार घट चुकी है। खास तौर से अनिष्ट होने के समय पर, पूरा होने के समय पर आपको पहले से ही इसका एहसास होने लगता है। अब कमेंट करके बताना कि हम सत्य कह रहे हैं कि नहीं, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर नहीं। आगे हम आपको बता रहे हैं आप अंदर छुपी हुई तीसरी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है और यह केवल आपके अंदर ही हो सकती है। कहने का मतलब कि आपकी राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं। और यह एक ऐसी शक्ति है जो शायद ईश्वर ने आपको दी थी, इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपसे सबसे अधिक नियम करते हैं। यह वह शक्ति है जो आपको कई बार महसूस हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस संसार में लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, समझना उनके बस की बात भी नहीं है। इसी वजह से आपकी इस शक्ति की वजह से आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, कौन सी है भाई शक्ति है? उस शक्ति का नाम है प्रेम की और आकर्षण की शक्ति। आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि लोग आपको देखकर भूल नहीं सकते हैं। जो आपसे एक बार आंखें मिला लेगा, वह आपके बारे में निश्चित तौर पर एक के पीछे अवश्य सोचेगा। आपसे जो एक बार बात कर लेगा, वह जीवन भर आपको भूल नहीं सकता है।
यह आपके अंदर आकर सड़के सकती है और इसी से जुड़ी हुई शक्ति है। प्रेम की शक्ति से लोग अनायास ही जोड़ने का प्रयास करती है, फिर चाहे भले ही आपका उपयोग करे या दुरुपयोग करे, आप उनके काम अवश्य आ जाते हैं। और आपके प्रति आकर्षण और प्रेम की शक्ति न केवल इंसानों में, जीव जंतु और जानवरों में भी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठी है और कोई जानवर आपके पास आकर इस प्रकार बैठ जाता है जैसे कि वह आपको अच्छी तरह से जानता है, जैसे कि कोई कुत्ता है या फिर कोई गाय या फिर कोई छोटा मोटा जीव जंतु। कई बार आपको ऐसा लगा भी है कि आपसे इन जीव जंतुओं को डर क्यों नहीं लग रहा है, कहीं आप इन्हें मारेंगे। लेकिन दोस्तों, आप उन्हें मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जीव जंतु आपकी इस शक्ति को पहले ही भांप लेते हैं और आपके नजदीक बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर आते हैं। और इंसानों का भी यही हाल है दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, आपके पास आता है, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास परेशानियों का हल अवश्य होगा, आप उसकी मदद अवश्य करेंगे। और इसी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है जिसके जीवन में आप होती हैं, चाहे वह आपका उपयोग करे या दुरुपयोग करे, लेकिन वह आपको जीवन भर भूल नहीं पाता है। एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह है प्रेम की शक्ति। और प्रेम की शक्ति से बड़े इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं होती, और यह शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। जी हाँ दोस्तों, अब तो ये इंसान की बुद्धि के ऊपर है, वह अपने कैसे कम पर कैसे विचार लेकर चल रहा है। आपकी शक्ति का कई बार लोग दुरुपयोग करते हैं और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपकी अपनी बनकर लोग आपको ढक लेते हैं, आपको परेशानी में डाल देते हैं, हालांकि उन्हें पूरा विश्वास है कि आप उनके काम अवश्य जाएंगे, तभी भी आपके नजदीक आते हैं। लेकिन आपका समय, आपका पैसा और आपकी ऊर्जा अवश्य खराब हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बस हमारा आपसे यही कहना है, लेकिन अपनी शक्ति को भी आपको पहचानना है, और यह जो आपके प्रति प्रेम है और आपके प्रति आकर्षण है, इसे आप दूसरी दिशा में लेकर जाएं और ईश्वर की शरण में चली जाएं। जितना प्रेम आपसे इस संसार के जीव जंतु करते हैं, उतना ही प्रेम आपसे ईश्वर भी करते हैं और आपके प्रति आकर्षित भी रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कई बार आपके जीवन में ऐसी और भी बताएं आई, ऐसे घोर संकट आई कि आपकी जान जाने वाली थी, लेकिन किसी न किसी ने आपकी जान बचाई है। वह दिव्य शक्ति ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि ईश्वर भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आपको इस संसार के जीव जंतुओं का ख्याल अपने मन से निकाल कर ईश्वर की भक्ति में लीन होना होगा, ईश्वर की शरण में चले जाना होगा। बस इतना आप करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपकी इस प्रेम की शक्ति का सही सार्थक परिणाम आपको प्राप्त होगा। अन्यथा दोस्तों, आपके इस शक्ति का हमेशा इस संसार के लोग तो दुरुपयोग ही करते रहेंगे, आपके कोमल हृदय को हमेशा छलनी करते रहेंगे। तो आप इस संसार पर निर्भर न रहकर ईश्वर पर निर्भर हो जाइए, भगवान को पूजा मंदिर जाइए, भक्ति में लीन हो जाइए, फिर देखिए कि भगवान आपके साथ कितना हिट करते हैं। जैसे कि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण किया, साथ ही बन गए तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी एक अर्जुन जैसी मामूली इंसान का रथ चलाने वाले साथी बन गए। भगवान भी आपसे इसी प्रकार प्रेम करते हैं दोस्तों। तो बस आपको भगवान की शरण में जाना है और यही एकमात्र मार्ग भी है। या दोस्तों, हमने आपको बताया था कि एक ऐसा सरल रास्ता हम आपको बताएंगे जिस पर चलकर आप अपनी इन तीनों दिव्य शक्तियों को प्रबल बना सकती है और इनका भरपूर उपयोग कर सकती है। भूत भविष्य वर्तमान को न कर देख सकते हैं, बल्कि इनके अनुसार अपने फैसले ले सकती है। लेकिन ये होगा तभी जब आप भगवान की शरण में जाएंगे, यही तो भगवान आपसे चाहते हैं। तभी तो आपके अंदर ऐसी अतींद्रिय देवी शक्तियाँ उन्होंने दी है कि आप इस संसार में भटककर ठोकरें खाकर लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनकर ताने सुनकर घूम
देखकर वहीं आ जाए। कहा कि शरण में जैसे सुदामा जी ने जीवन भर ठोकरें खाए, लेकिन अंत में प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आए और फिर उनका जीवन बदल गया। आपका भी बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब स्वयं भगवान आपका किस्मत बदल देगा। अब आपके स्वास्थ्य, बिजनेस और व्यापार में भी बड़ी बड़ी उम्मीद जगाने वाली है। बड़े बड़े काम बनने लगेंगे। जो भी पूंजी वगैरह लगाएंगे दोस्तों, उनमें आपका डबल मुनाफा होगा। आपकी कुंडली में बड़ा धन योग अब होने वाला है। व्यवसाय में बड़ा मुनाफा होने वाला है दोस्तों। आज से अब आपका व्यवसाय संबंधी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बेहतरीन समय है। रुके कामों में तेजी आ सकती है। बढ़ा अनादर पूरा करने के लिए लोन लेने की जरूरत होगी। लोन समय पर खत्म भी हो जाएगा। आज आपके लिए फैसले महत्वपूर्ण साबित होंगे। व्यस्ततम दिनचर्या रहेगी और समय पर कार्य बनते जाएंगे। घर के सदस्यों का सहयोग और सलाह भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपके खुशनुमा स्वभाव की लोग तारीफ करेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है। आपको अपने प्रयासों के बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसी जरूरतमंद का सहयोग करना आपको मानसिक और आत्मिक सुख देगा। कोई समस्या भी हल होगी। घर में सुखद और खुशनुमा वातावरण रहेगा। सिर्फ बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें। प्रेम संबंधों में भी रोमांटिक माहौल रहेगा। आपको किसी कार्य के प्रति की गई मेहनत की सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। फोन द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा नई उपलब्धियों को प्राप्त करने का रास्ता भी बनेगा। आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अनुकूल है। अपनी रुचिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में भी समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे। नेगेटिव किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में न फंसे। बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जाँच पड़ताल कर लें। इस समय किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति भी बन रही है। व्यवसायिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। कुछ नए अनुबंध मिलेंगे तथा आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किसी विशिष्ट कार्य के प्रति चल रही मेहनत के आज अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों के अनुभव तथा मार्गदर्शन से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमने आपके बारे में जो बातें बताए हैं किस हद तक सही है। दोस्तों हमने आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और हमने जो बातें आपके बारे में बताई हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हर एक बात सच है, बिल्कुल सत्य और आपके ऊपर ही आधारित है। एक भी बात गलत नहीं होगी। दोस्तों आपको सच्चे मन से अपने अंदर टटोलना होगा, अपने आप को पढ़ना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि हमारी बातें कितनी सत्य है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।